हेलो गाइस, वेलकम टू द व्यू रिव्यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम मैगी के पास्ता मशरूम पेने के बारे में बात करने वाले हैं। सो इस प्रोडक्ट को हम आज बनाएंगे और चेक करेंगे इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, क्या आपको पसंद आएगा या नहीं, प्लस इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और ये आपको कितने रुपए में मिल जाएगा मार्केट में। सो ओवरऑल ये सारा चीज़ें हम चेक करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए आज के प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ शुरू करते हैं। सो जिस तरह से हमने कहा था, हम मैगी के इस पैकेट के पास्ता मशरूम पेने के बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको बता दें कि ये 100% रवा यानी सूजी से बना हुआ है, जो कि अच्छी बात है। प्लस इसमें इटालियन सीजनिंग का उसका इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वो तो हम बनाकर चेक करेंगे कि एक्चुअल में वो है या नहीं, टेस्ट उसका वैसा है या नहीं। प्लस ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जिस तरह से इसका साइन इंडिकेट कर रहा है, और इसका जो नेट वेट है वो है 64 grams। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। यूजुअली जो इटालियन हर्ब्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, और रवा सूजी इस तरह का इस्तेमाल किया है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो है सोया और मस्टर्ड, ये दो चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो इन केस अगर आप इन दोनों किसी भी चीज़ से एलर्जिक है तो प्लीज़ इसे कंज्यूम ना करें, और एज आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब अमाउंट की बात करें तो ये आपको सिर्फ 25 rupees का कॉस्ट करेगा। सो ये 25 rupees का ये पूरा पैकेट आपको मिलता है। अब इसके जो बनाने का तरीका है वो यहाँ पे दिया है कि 2 cup आपको लेना है, टेस्ट मेकर ऐड करना है, 5 minutes के लिए पास्ता को डाल के उसमें उबालना है और आपका जो पास्ता है वो बनकर रेडी हो जाएगा। सो यस, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस हम चेक करेंगे कि मैच होते हैं या नहीं, और इसका जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली इटालियन जैसा है या नहीं। तो प्लस एक और चीज़ बता दें, 3 rupees ऑफ है इसके ऊपर। यूजली ये 28 rupees का था, बट अभी ये आपको 25 rupees में मिल रहा है। सो चलिए अब इसे मैं कट कर दिखा देती हूँ आपको कि इसमें आपको एक्चुअल में क्या मिला है, उसके बाद हम इसे बनाकर चेक करने वाले हैं। सो ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया। आपको कट करने के लिए कुछ नहीं मिला, इसके लिए आपको सीजर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सो इसलिए हमने सीजर यूज़ किया था। और ये देखिए, आपको एक सीजनिंग का पैकेट मिला है यहाँ पर, जो काफ़ी बड़ा है, और पास्ता का अमाउंट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बट एनीवे पास्ता साइज़ में इंक्रीज होता है तो वो हम चेक करेंगे बना के। सो सबसे पहले आपका जो सीजनिंग है वो कट कर करिए, जो मसाला है वो दिखा देती हूँ कि दिखने में कैसा, क्योंकि उसमें मशरूम लिखा था तो लेट अस चेक कि इसमें मशरूम है या नहीं। सो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, मुझे यहाँ पे मशरूम दिख रहे हैं, मशरूम की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है अगर आप ध्यान से देखें तो, और हर्ब्स भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, और ये देखिए मशरूम। तो चलिए अब इसे बनाकर चेक करेंगे, बट सबसे पहले आपको पास्ता का अमाउंट भी दिखा देती हूँ। ये अंदर था तो बाहर निकालने पर ये थोड़ा सा दिख रहा है ज़्यादा है, बट एनीवे पास्ता थोड़ा इंक्रीज होता है साइज़ में। तो चलिए बनाते हैं और चेक करते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा और क्या वो आपको पसंद आएगा या नहीं। सो गाइज, ये देखिए हमारा जो पास्ता है बनकर रेडी हो गया है, दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, तो डेफिनेटली खाकर चेक करेंगे। पर उससे पहले कुकिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो जिस तरह से इसमें दिया गया, सिर्फ आपको लेना है टेस्ट मेकर, 5 minutes के लिए उबालना है और ये बनकर रेडी हो जाएगा। सो प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कम से कम इसे 15 से 20 minutes देना ही पड़ेगा तभी ये बनकर रेडी होगा, अदरवाइज तो पकता भी नहीं है, और पास्ता को तो काफ़ी टाइम लगता है वैसे भी पकने के लिए। सो इसलिए ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा कुकिंग इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल फॉलो मत करिए उसको। सो अब ये क्वांटिटी की बात करें तो इस वक्त जितना इस प्लेट में आपको नज़र आ रहा है पास्ता, ये इतना ही है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है क्वांटिटी में, बट लेट अस चेक कि अगर इसका जो टेस्ट है वो कैसा। और ये देखिए, मशरूम भी काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहे हैं इसमें, मशरूम काफ़ी अच्छे अमाउंट में है इसमें, हर्ब्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो अब टेस्ट चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। ओके गाइज, इसका जो टेस्ट है वो एकदम यम है, मतलब जिस तरह से इसमें दिया गया ना इटालियन है, तो यस, ये एकदम इटालियन स्टाइल पास्ता बनाया है, बहुत ही टेस्टी है, मुझे इसका जो टेस्ट है वो बहुत पसंद आया। प्लस जो सीजनिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया, इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं वो बहुत यमीशियस, एकदम ही डिलीशियस है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड फॉर दिस, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो मैटर करता है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है, अगर टेस्ट अच्छा है, तो आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग अ प्रोडक्ट। सो टेस्ट मुझे इसका, अगर आपको इटालियन पसंद है तो आई गेस आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद आने वाला है। तो अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो आसपास के किसी भी लोकल ग्रोसरी स्टोर्स में आपको ये इजीली मिल जाएगा, और चाहिए तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। सो यस गाइज, ये था मेरा जेन्युइन रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा मिला। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड